आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता, बुद्धि विनायक, विनायक चतुर्दशी 2024 में कब मनाई जाएगी, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, शनिवार 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर आरंभ होगी और 7 सितंबर रविवार को 5:37 पर समाप्त होगी। मूर्ति स्थापना का मुहूर्त सुबह 11:03 पर आरंभ होकर दोपहर 1:34 पर ये समाप्त होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विघ्नहर्ता बुद्धि विनायक भगवान गणेश, भगवान गणेश की प्रतिमाओं का बनाने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। शिव की नगरी में सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदायों के त्योहारों को गंगा जमनी तहजीब के तहत मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विघ्नहर्ता बुद्धि विनायक, बुद्धि के दाता भगवान गणेश की प्रतिमाओं को यहां आप देख सकते हैं बनाने का काम आरंभ हो चुका है। एक समय में ख्यातिलब्ध दादू धर्मशाला के प्रांगण में इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। कलाकारों के द्वारा, मूर्तिकारों के द्वारा यहाँ पर मूर्तियों को बनाया जा रहा है। बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही कलात्मक तरीके से इनके द्वारा मूर्तियों को बनाया जाता है और इस बार 7 सितंबर से ये आरंभ होगा गणेश उत्सव। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव लगातार जारी रहेगा 7 सितंबर के उपरांत, और उसके पहले इन प्रतिमाओं को तैयार करने का काम आरंभ हो चुका है। अगस्त के महीने में, अगस्त के पहले सप्ताह में ही यहां आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्रतिमाएं बनना आरंभ हो रही हैं। प्रतिमाएं आपको बनती हुई दिख रही होंगी। मूर्तिकार अपने अपने स्तर पर जतन कर रहे हैं, सुंदर प्रतिमाएं बनाने का उनके द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है, प्रयास जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विघ्नहर्ता बुद्धि विनायक भगवान गणेश, ये प्रतिमाएं आप देख सकते हैं मिट्टी से किस तरह प्रतिमाओं का निर्माण होता है, मिट्टी की प्रतिमाएं यहाँ बनाई जाती हैं। प्रशासन भले ही मिट्टी के अलावा अन्य प्रतिमाओं को, अन्य पदार्थों की प्रतिमाओं को बनाने के लिए दिशा निर्देश भले ही जारी करे, पर वे प्रतिमाएं आकर यहाँ बिकती हैं। वे अपेक्षाकृत हल्की और बनाने में बहुत सुलभ होती हैं, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उन प्रतिमाओं को बहुत जल्दी बना लिया जाता है। इन प्रतिमाओं को बिकने से रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रबंध किए जाते हैं, पर हर साल वे प्रबंध पूरी तरह नाकाफी ही साबित होते आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं बुद्धि विनायक भगवान गणेश की, अलग अलग आकार की, अलग अलग ऊंचाई की, अलग अलग साइज में इन प्रतिमाओं का निर्माण जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बुद्धि विनायक भगवान गणेश धीरे धीरे प्रतिमाएं आकार लेती हुई आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। मिट्टी से बनी प्रतिमाएं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी से ही इन प्रतिमाओं को धीरे धीरे बनाया जा रहा है। मूर्तिकार बहुत जतन के साथ देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। कलाकार अपनी कलाओं का हुनर यहाँ दिखाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। दादू धर्मशाला प्रांगण में ये प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य धीरे धीरे आरंभ हो चुका है। लंबोदर, एक दंत, न जाने कितने नामों से भगवान श्री गणेश को पुकारा जाता है, भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती है। आदमकद प्रतिमाएं और आदमकद प्रतिमाओं से ऊंची प्रतिमाएं भी आपको यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। मिट्टी से अभी इन्हें बनाया जा रहा है और मिट्टी से बनाने के उपरांत
इनमें रंग रोगन किया जाएगा, इन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाएगा, वस्त्र आदि पहनाए जाएंगे। एक दंत लंबोदर, बुद्धि विनायक, बुद्धि के दाता, ना जाने कितने नामों से भगवान श्री गणेश को बुलाया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। और उसी उसमें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ प्रतिमाओं का निर्माण लगातार जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।